नमस्कार दोस्तों, बीबीसी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे बीबीसी के अभी लॉन्च की हुई इस कैबिनेट के मॉडल के बारे में, जो कि आपकी 3.0 सीरीज में है। आप ये देख सकते हैं, ये कैबिनेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एयर स्पेस भी अच्छा दिया गया है। तो इस वीडियो में ओवरऑल हम इस कैबिनेट के बारे में बात करेंगे, इसके सारे फीचर्स, सारे स्पेसिफिकेशन को के बारे में बात करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपका या कोई इंक्वायरी मेरे से बताने से रह जाती है तो प्लीज़ उससे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, जिससे मैं आपका उसको रिप्लाई दे सकूं। और वीडियो का एंड तक देखें, जिससे कि आपकी कोई भी इंक्वायरी या कोई भी चीज़ इसमें से मिस ना हो पाए। तो अब हम इसको ओपन करेंगे। ये हमने कैबिनेट को ओपन कर लिया। सबसे पहले हम इसके फ्रंट पैनल की बात करते हैं। फ्रंट पैनल में आप देख सकते हैं, एयर के लिए बहुत ही अच्छा स्पेस दिया गया है। एयर इनटेक के लिए पूरा स्पेस, ये सारा नेट का काम है, अंदर भी स्पेस अच्छा दिया गया है। फ्रंट पैनल में आपका एक 3.0 USB, 2.0 USB ऑडियो माइक के लिए पोर्ट एंड रिस्टार्ट का बटन, पावर ऑन का बटन, ये सब कुछ आपका फ्रंट पैनल में ही दिया गया है। अब हम इसके टॉप पैनल पर जाते हैं, तो टॉप पैनल पर आप देख सकते हैं इसमें एक मैग्नेटिक डस्ट कवर दिया गया है। साथ में आप ऊपर टॉप पे 120 mm के दो फैन इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम इसके साइड पैनल पर जाते हैं, तो साइड पैनल में आप देख सकते हैं फुल एक्रिलिक साइड पैनल दिया गया है, फुल ट्रांसपेरेंट है ये। इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि अंदर और क्या क्या हमें इसमें फीचर्स हैं इसके। आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट पैनल को दोनों साइड से कवर किया गया है थैली से, जिससे कि इस पर स्क्रैच वगैरह किसी तरह का मार्क वगैरह ना लगे। और अंदर देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि केबल्स रहेंगे आपकी। केबल्स की बात करें तो इस बार बीबीसी ने अपनी केबल की क्वालिटी को अच्छा किया है। ब्लैक कोटेड, सारी ब्लैक कलर में केबल है, एक 3.0, एक 2.0 USB के लिए, एक ऑडियो के लिए, बाकी रिस्टार्ट, पावर, हार्ड डिस्क, LED की केबल्स हैं। ये स्क्रू दिए गए हैं यहाँ पे साइड में लगे हुए हैं। स्क्रू आप देख सकते हैं, स्क्रू ब्लैक कोटेड स्क्रू दिए गए हैं। साथ में चार इसमें लॉन्ग स्क्रू भी दिए गए हैं, जिससे आप अपना फ़ैन या कोई भी एक्सेसरी ट्यूब SMPS के ट्यूब के ऊपर या कहीं और जहाँ आप यूज करना चाहें वहाँ यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा मदरबोर्ड के लिए स्पेस दिया गया है। आप इसके अंदर ATX, माइक्रो ATX, मिनी ATX और यहाँ तक M ATX तक के मदरबोर्ड इसके अंदर फिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे इस पर दो SSD लगा सकते हैं दूसरी साइड से। और अब हम रेयर साइड की बात करें तो यहाँ पे भी आप 120 mm का एक फ़ैन इंस्टॉल कर सकते हैं, रेयर में भी स्पेस दिया गया। साथ में 7 एक्सपेंशन स्लॉट दिए गए हैं। बॉटम माउंटेड इसमें PSU दिया गया है। हम इसका बैक पैनल खोलते हैं और अंदर इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ये हमने बैक पैनल भी इसका ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ से आप 2 SSD अंदर से लगा के यहाँ से स्क्रू कस के 2 SSD फिट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी लगा सकते हैं केबल मैनेजमेंट के लिए। इसमें अच्छा खासा स्पेस दिया गया। पावर सप्लाई के लिए भी इसके अंदर बहुत अच्छा स्पेस दिया गया है। पावर सप्लाई के लिए भी ये आपकी दो एक्स्ट्रा केसिंग दी गई है, जिसमें आप या तो दो 3.5 inch की हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, या फिर इसके अंदर दो 2.5 inch की आपकी SSD लग सकती हैं। तो टोटल अगर हम SSD की बात करें तो 2 SSD आप यहाँ पे और 2 SSD यहाँ फिट कर सकते हैं, या फिर दो 3.5 inch की हार्ड डिस्क यहाँ और 2 SSD यहाँ पर फिट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप इसको किस तरीके से यूज करना चाहते हैं। इसके अंदर एक आपका DVD राइटर लगाने के लिए भी स्लॉट दिया गया है। आप इस पैनल को बाहर निकाल के इसके अंदर DVD राइटर फिट कर सकते हैं। और इसमें हम इसका फ्रंट पैनल ओपन करते हैं।
ये हमने इसका फ्रंट पैनल ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डीवीडी एडिटर लगाने के लिए स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आप फिट कर सकते हैं डीवीडी एडिटर। और ये आगे इसका फ्रंट पैनल में अच्छा खासा एयर कप के लिए अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। अब बात करते हैं इसमें टोटल कितने फ़ैन इंस्टॉल हो सकते हैं। दो 120 mm के फ़ैन आप यहाँ फ्रंट में इंस्टॉल कर सकते हैं, दो आप अंदर से टॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं, एक रियर में इंस्टॉल कर सकते हैं और दो आप PSU के ट्यूब के ऊपर यहाँ पे या आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो टोटल ओवरऑल आप इसके अंदर 7 फैन इंस्टॉल कर सकते हैं 120 mm के। और या फिर आप फ्रंट में यहाँ पे 240 mm का एक रेडिएटर भी फिट कर सकते हैं, मीन्स वाटर कूलर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो और हम इसके अब बिल्कुल बॉटम में बात करें तो आप देख सकते हैं चार इसके अंदर प्लास्टिक के स्टैंड दिए गए हैं, उनके ऊपर रबड़ फोम से मार्किंग की गई है जिससे कि किसी तरह का वाइब्रेशन ना हो, मीन्स एंटी वाइब्रेशन फोम भी इसमें लगाए गए हैं। साथ में PSU के लिए यहाँ पे बॉटम में एक डस्ट फिल्टर भी दिया गया है। तो ये ओवरऑल इस कैबिनेट की अनबॉक्सिंग थी, प्लस में इसके फीचर्स के बारे में डिस्कशन था। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो या कोई आपकी इंक्वायरी हो या कोई पॉइंट मेरा कवर करने में रह गया वीडियो के अंदर, तो आप उससे मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।